कभी कोई गाड़ी कवर उठे रहे, कभी कोई गाड़ी हवा निकाल रहे, कभी कोई तेल निकाल रहे। अब से हमारो वोट बहिष्कार को प्लान एक छन दिया अगाड़ी आगामी, अगर यू माना अभी यह काम नहीं होता, ये पंचवर्षीय में नहीं होता अगर यू काम, तो हमारो अगाड़ी हम रोड रोड पर हड़ताल को हमारो दूसरा हमारो कदम जो रहा तो मादम होने नहीं सुनी। हाँ कभी रोड मत बैठे होनी, कभी बेड बैठे रोड होने लगी, कभी बेड बैठे सर्वे होने लगी। रास्ता हमारा खाई नहीं बनया, बिल्कुल बारिश में खत्म होने आया। मैं देखा तो विधायक प्रथम सिंह कुमार जी से गुजारिश कर दूँ, आप तो एक बार तेरे दिखा दो क्योंकि हमारा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द माउंटेन ब्लॉग में। आज मैं अपने घर में हूँ, हमारे भाई लोग यहाँ पे हैं और हमारी अपनी एक समस्या है जो है रोड की समस्या, तो आप इनसे सुन सकते हो क्या क्या समस्याएं हमारी। तो मैं आपको परिचय कराता हूँ एक एक करके सबसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बड़े भाई जी सुशील उनियाल जी से बात करते हैं हम। तो देखिए आप क्या कहना है इनका रोड के बारे में। यूट्यूब चैनल पर देखदारों के सभी सादर प्रणाम। रोड के बारे में भूला आप जो बताने लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे हमारा यख हमारो ये एरिया छः उनियाल गांव को कमाल खाल क्षेत्र छः, यख रोड की बहुत बड़ी समस्या छः। हम तो कम से कम 1.5 किलोमीटर रोड से घर से रोड हमारी दूर छ, तो हम तो कुछ भी लोन हो हमारो कुछ भी कृषि को कुछ भी वो हो सामान हो तो हम तो 1.5 किलोमीटर लोन ले जाना पड़ दो, जो कि हमारे जो रेट पर बिक दो वहाँ से दुगुना ज़्यादा पर हम तो भाड़ू वगैरह पड़ जाऊँ। और बाकी हमारा सरकार हमारी कर रही है कि पलायन तो रोकना तो बहुत कुछ प्रयास कर लगी छा, लेकिन पलायन तभी रुकी सक दूँ हमारा देखना कि भाई जब रोड और स्कूल हमारा नज़दीक होला तभी यखों को पलायन रुकी सक दूँ। बाकी अगर यख 1.5-2 किलोमीटर हम पैदल चल दूँ तो हर कोई ये सोच दूँ कि हम अपने बच्चों तो ये ना रास्ता छन, बिल्कुल रास्ता हमारा खाई नहीं बनया, बिल्कुल बारिश में ख़त्म होने या रोड हमारी छानी, हर कोई अपने बच्चों पर अच्छी शिक्षा देना चाहूँ। वहाँ की खातर लोग अखन पलायन करना और कोई देहरादून जा रहे हैं, कोई ऋषिकेश जा रहे हैं, तो मेरे ये मानना हो कि अगर यख रोड है जाली यख की व्यवस्था सुधर जाली, यख लोग अपना बच्चों भी यख ही रख ला और यखन पलायन भी रुक लूँ, यख की खेती बाड़ी भी सुधर ली और जो यखों को भविष्य है हमारा बच्चों को जो भविष्य है वो भी मैं लग दो कि ठीक हो लूँ। अगर रोड आ ली यख, अगर यख रोड नहीं आ ली तो हम लोगों ने जीवन यापन करनी और हमारा बच्चों भी या तो फिर घर रला का कि स्कूल नहीं जा सकने ये नहीं रला हमारी तरह रानी फिर बेरोजगार, और या तो फिर जय में पैसा होलूँ वह बेचारा ने अखन पलायन करनी, जय में पैसा नहीं होलूँ वह बेचारा ने कि बात कि पलायन करने रुकनी पलायन रुकना कोई वो नहीं है। और मैं यहाँ का विधायक प्रथम सिंह कुमार जी से गुजारिश कर दूँ कि आप तो एक बार यहाँ तेरे एक देखने पर, क्योंकि हमारा इतना बुरा हाल चलना हमारा इतना बुरा हाल चलना है कि बोल सकूँ मतलब ये की भी चीज़ को कोई होनी पशुपालन खत्म होगी की कोई खत्म क्योंकि रोड नहीं कोई भी चीज़ देखा कोई भी चीज़ देखा बच्चों को पलायन रुक ही नहीं सकते कुछ ना रोजगार मतलब स्वरोजगार कोई अच्छे नहीं है कदम रोजगार करना चाहना, लेकिन वो रोजगार मजबूरन बस वो रोजगार नहीं कर सकना क्योंकि वो तो रोड से बहुत ज़्यादा पैदल हमारा जो घर छा तो रोड से जो भी सामान लाने होता है तो वहाँ से दुगुनों चौगुनों पैसा होता है भरना पड़ दो, इतना पैसा कह मैं होना नहीं। कोई खेती करना चाहता कोई पशुपालन करना चाहता कोई बागवानी करना चाहता, तो अगर रोड साइड पर अगर हमारा रोड है जाली या तो हमारी साग सब्जी हमारा फ्रूट जो भी छा उस सही टाइम पर बाजार पहुंचला और बाज़ार ठीक ठाक रेट में बिकला। अगर हम यख साग सब्जी तोड़ आ रोड हमारी 4 किलोमीटर दूर है तो हम तो जान में इतना टाइम लग दो कि वो साग सब्जी हमारी ख़राब होने लगी। अगर हम कहीं खच्चर तय वकड़ दो बुलाना हो तो खच्चर को भाड़ू इतना कि उतना को हमारो आलू नींद बिकना या मटर नींद बिकना जितना तय हम जितना को हम तक खच्चर को भाड़ू देना पड़ दो, तो प्लीज़ ये बारे में कुछ संज्ञान लिया आप लोगों को बहुत बहुत हम आभारी रोला। अगर आप लोग ये बारे में कुछ जितना जल्दी हो सकते पर कार्रवाई कर ला सबसे हमारी बात गुजारिश कि जितना जल्दी हो सकते वी का बारे में जरूर करा। और ये एरिया छा प्रथम सिंह पवार प्रथम सिंह पवार धनोल्टी धनोल्टी हाँ श्री प्रीतम सिंह पवार जी हाँ तो मतलब प्रथम सिंह पवार जी क्योंकि जब तक वहाँ से पहले वोट से पहले उन्होंने उन बहुत बहुत बात करते थे, लेकिन अब
उनको भी कोई दिखेना कोई बनिया। लेकिन हम चाहूँ कि प्रथम सिंह पवार जी आप एक बार यह खतरे थोड़ा देखा सही। अरे कुर्सी मिलने के बाद थोड़ा कम से कम कुछ तो वही चलो। पहली तो सब उन इतना हाथ जोड़े थे वकरी इतना हाथ जोड़े रहा हमन भी हमन बोल चला कोई बात नहीं बीजेपी सरकार है इंच मोदी छन मोदी जी छन फिर भी चम धामी जी छन अब यक तुम भी वह तो कम से कम कुछ तो बोलो हम थे। लेकिन कोई फर्क नहीं अपन अब मतलब 2-3 साल ही कट गए लेकिन अभी तक कोई वो निकली तुम उनकी। तो मैं यहाँ चाहूँ कि जल्दी जल्दी खेते और तुम भी इन बातें संज्ञान लेते और ये काम थे प्लीज़ जल्दी जल्दी जितना हो सको ये काम थे ओके करा और हम थे रोड दिला क्योंकि रोड का नाम होना या हम थे रोड पर जाने खातर और सुबेर भी एक जल्दी नहीं जा सकता क्योंकि सुबेर जल्दी जा तो बाघ एक डर रखा हरी का डर रखा सुंगर एक डर रखा सब कुछ मोर पर लगे अब करनी क्या उनके हिसाब से। तो अगर रोड आ ली तो हम कम से कम घर ही बैठे अपनी गाड़ी पर तो जा सकता हूँ क्योंकि इधर नाम तो मन क्यों को हुआ और हर हर कहीं को मतलब हुआ या कोई बुजुर्ग आदमी अगर बीमार होगी या कोई बच्चा बीमार होगी तो यखन बहुत हमारे बहुत सारी कठिनाई चलनी जाना की आदमी अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो रोड पर ले जाना नहीं जाना या कि इतना हालत ख़राब हो जा रही या मर ही जाएगा आदमी भाई जानू कि अभी तक हमारा बड़ा भाई साहब और हमारा वार्ड मेंबर साहब सुरेश नेगी जी जन जन अभी उनसे बताया अभी तो जो उन समस्या बताएं वो समस्या तो मेन समस्या वही है और वह के अलावा यख दिखे जाओ ये क्षेत्र में तो यख एक रोड ही नहीं यख बाकी शिक्षा स्वास्थ्य से लेता यख या समस्या यख सारी जो समस्या है यख यख अगर दिखे जाओ यख एक यख समुचित चिकित्सा की व्यवस्था नहीं एक और दूसरों यख शिक्षा नहीं दुई और पलायन जब रोकने की कोशिश करने लगे हमारा धामी साहब सरकार बहुत बहुत सरकार को बहुत जोर आई चीज पर तो पलायन यख शायद कभी नहीं है रुकने जब तक यह समुचित व्यवस्था नहीं हुई। और दूसरी बात आ जो हमारो रोड को मामला रोड यानु नहीं कि विगत 2-3 वर्षे बटी हम भी यानी सुन लगे हमारो जन्म है हम जन्म का बाद बाद हम यानी सुनी कि हाँ कभी रोड मत बैठे होनी कभी बेड बैठे रोड होने लगी कभी बेड बैठे सर्वे होने लगी। अभी कुछ टाइम पहले बटी जो ग्राम सभा द्वारा एक मीटिंग हुई है ग्राम सभा की वह माँ एक कुछ ऑर्डर आई थो कि अब कुछ विधायक साहब वाला या जेई साहब वाला रोड को सर्वे बनी थो लेकिन वो बात सब काल्पनिक ही रहेगी धरातल पर कोई काम नहीं दिखने लगी हूँ। मेरे ख्याल से प्रधान जी को कार्यकाल भी अब समाप्त होने पर रहेगी लेकिन अभी तक जो था कि ये बार हम कोई कहीं की सुबह नहीं सुनवाई नहीं होने लगी और यक का लोग जो है कि बहुत परेशान हो गए इन चीज़ से ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशान यहाँ कर। और मैं कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा कैमरा वहीं तरफ घुमा दे रहा जी तरफ हमारी रो गाड़ी रही हमारी खड़ी लगभग हमारा घर से 1.5-2 किलोमीटर लगभग दूर हमारी गाड़ी खड़ी और आए दिन हमारी गाड़ियों को नुकसान हो रहे वक्त में पर मतलब प्रतिदिन वक्त में मतलब हमारी गाड़ी खड़ी रहने और रात को औंधारा जानारा जो बहर का जो लोग हैं वो हमारी गाड़ी में नुकसान करना कभी कोई गाड़ी कवर उठे रहे कभी कोई गाड़ी हवा निकाल रहे कभी कोई तेल निकाल रहे। अब सुबेर हमसे कभी कुछ इमरजेंसी के काम से जाने हो तो हम जो था कि वह काम में जा ही नहीं सकता किले की हमारी गाड़ी को नुकसान होने लगे पहली बात। दूसरी बात यह कि जो रोड को सर्वे वही था अब चाहे मत्थी बिटो चला मैं मान दो मैं जंगलात कुछ ऑब्जेक्शन करने लगी तो यानी कुछ जगह जब रोड नहीं गए आज की डेट में ये छ कि तुम धरातल पर कहीं भी घूम लिया हर घर में हर गांव में रोड वाली जाएंगी लेकिन एक यू क्षेत्र सिर्फ यानी रहेगी जो बगैर रोड को रहेगी। और मेरी बहुत बड़ी गुजारिश है यहाँ का लोगों की बहुत बड़ी गुजारिश यह कि अभी तक जो छनिया वृद्ध जन जो छनिया 80-90 साल बाद उनका देखता अगर एक रोड आ जाओ तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रह लो और नितर जो था कि सबुन वन्नी को वन्नी चल जानी और यक की बहुत बड़ी समस्या है बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है सबों की तरफ से जन्म जो आम जनमानस जो है ग्राम सभा की तरफ से और खास कर कमा खाओ तो यक का लोगों की तरफ से बहुत बड़ी आया रिक्वेस्ट है या अगर हमारी सुनवाई बोली तो अगाड़ी हम भी ग्राम सभा का जो सार्वजनिक जो कार्य बोला सार्वजनिक जो योजनाएँ बोली वह में हमारो पूर्ण भागीदार रही अन्य तरह अगाड़ी बैठी हमारो वोट बहिष्कार को प्लान एक छन दिया अगाड़ी आगामी अगर ये माना अभी यह काम नहीं होता ये पंचवर्षीय में नहीं होता अगर ये काम तो हमारो अगाड़ी हम रोड पर हड़ताल को हमारो दूसरों हमारो कदम जुड़ा लूँ तो मेरे सबों से मेरी गुजारिश यही छा कि हमारा ये क्षेत्र पर जरूर सुनवाई करे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो आपने सुना होगा हमारे भाई जी लोगों से इन्होंने अपना बताया क्या क्या समस्या है। चलो रोड तो हमारा दुर्भाग्य है रोड नहीं है पर आप रास्ते का हाल देख सकते हो रास्ता भी तो सही नहीं है अगर रास्ता सही होता तब भी चलता और देख सकते हो घर हमारा कहाँ है और हम अभी आधे रास्ते में हैं और रोड इससे भी ऊपर है देख सकते हो आप ये यहाँ सभी सामान ले कर 20-25 किलो ले कर पैदल चल रहे हैं 2 किलोमीटर दूर और अभी घर देख सकते हो आप इतनी दूर इन्होंने पैदल लेके जाना है। आप यहाँ देख सकते हो इन रास्तों के हाल पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है पूरे रास्ते में पत्थर
पानी देख सकते हो आप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा पत्थर ऊपर से आ रखा है, वो तो किस्मत की बात है किसी को। यहाँ पलायन हो चुका है, जंगली जानवर घरों में आ रहे हैं, पूरा नुकसान कर रहा है। दोस्तों सुना होगा आपने क्या क्या समस्याएं हैं हमारी यहाँ पे, हमारे भाई लोगों की, सभी की। और जब यहाँ रोड नहीं है तो साफ सीधी बात है पलायन भी होगा, सब चीज़ होगा और नुकसान भी होगा। तो आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सके जितना हो सके आपसे उतना शेयर करें इस वीडियो को, हमारे विधायक जी तक पहुंच सके, हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।